प्यारे सीए वाले दोस्तों, जिन्होंने मई में एग्जाम दिया है, अभी कुछ ही दिन बाद आप गूगल में टाइप कर रहे होंगे आईसीए रिजल्ट, तो ये एक वेबसाइट है, ध्यान रख लो, cerizults.ica.org। खुलेगा ऐसा पर्पल कलर का स्क्रीन। आपको एक चीज बता दूं कि पहले हम लोग जब एग्जाम देते थे तो नवंबर का रिजल्ट आता था जनवरी 17 तक, और मई का रिजल्ट आता था जुलाई 17 तक। और पहले क्या होता था, इंटर और फाइनल का रिजल्ट अलग अलग टाइम पे आता था, इंटर का रिजल्ट और लेट से आता था। बट लास्ट टर्म में इंस्टीट्यूट ने एक नया रिवोल्यूशन लाया, बिकॉज ऑफ इट्स डिजिटल चेकिंग सिस्टम, ये रिजल्ट एक साथ फाउंडेशन इंटर का आप देखो एक ही डेट पे आया था 10 जनवरी को। तो इस बार भी आप समझ लेना 10 जुलाई विल बी द डेट फॉर योर इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स ऑफ मई 23। तो जिन्होंने भी मई 23 में एग्जाम दिया है, नोट द डेट 10th जनवरी, बिफोर दैट ओनली द अनाउंसमेंट विल कम बाय द इंस्टीट्यूट। 10th जनवरी इज द एक्सपेक्टेड डेट फॉर फाइनल इंटर एग्जामिनेशन। फाउंडेशन का एग्जाम थोड़ा लेट होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट रिजल्ट आएगा, बट इंटर फाइनल का एक साथ आने वाला है, ठीक है। तो इसकी तैयारी रखिए और देखिए, हो सकता है खुदा न खास्ता एग्जाम क्लियर हो जाए या ना हो। अगर हो जाए तो बस नई जर्नी की तैयारी सबको करनी है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। बट अगर नहीं होता है तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये डिमोटिवेट होने का एक ही कारण है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी अपने से ज्यादा दूसरों की जीने की आदत डाल ली है। हम अपनी जिंदगी नहीं जीकर हम मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस, भाई बहन के एक्सपेक्टेशंस, दोस्तनी फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस, रिश्तेदारों के एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दबे हैं, और मोर ओवर अपने आप से भी बहुत सारा अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस रख रखे हैं, उसके बोझ तले दबे हुए। इसके कारण हर समय झुक झुक के चल रहे हैं, मेंटली सर उठा भी नहीं रहे, अंदर से भी सर उठा के नहीं चल रहे। इस रीजंस के कारण जो चीज होना भी हो सकता है वो कई बार नेगेटिव अट्रैक्शन के थ्रू आपसे दूर चला जाता है। तो व्हाट यू शुड डू इन दिस टाइम पीरियड इज स्टे कंप्लीटली काम एंड पॉजिटिव, फोकस ऑन योर डेली रूटीन, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट एट ऑल, डोंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। हमने सुना है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भाई आपको फल के बारे में सोचना नहीं है, आपको अपना जो डेली रूटीन है वो इतना मस्ती में करना है, यू आर एंजॉयिंग योर डे सो वेल कि आप मस्ती से खा रहे हो, मस्ती से पी रहे हो, मस्ती से सो रहे हो, मस्ती से ऑफिस जा रहे हो, मस्ती से अपना कॉलेज जा रहे हो, जो कर रहे हो इतना मजे से कर रहे हो कि आपको एहसास ही नहीं कि आज मंडे है, कि आज ट्यूजडे है, कि आज ये तारीख, आज वो तारीख है। इस मस्ती में रहना है। हाँ, रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे, बस रिजल्ट का क्या होना है नहीं होना है वो नहीं सोचना है, ठीक है। और अगर सोचना भी है तो सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि मेरा तो हुआ हुआ है, मैं आगे के लाइफ की तैयारी कर रहा हूँ, इंटर है तो फाइनल का सोच रहा हूँ, आर्टिकलशिप के बारे में, कैसे मैं ऑफिस जाऊंगा, कौन सा ऑफिस जाऊंगा, क्या पहन के जाऊंगा, क्या मजा आएगा, और अगर फाइनल है तो आगे जॉब या बिजनेस या प्रैक्टिस की तैयारी के बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव आउटलुक। और अगर जिनका नहीं हुआ है उनको अभी से पता रहता है बहुत बार कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है तो आपको शायद अटेम्प्ट देना पड़ सकता है, तो आपके मन में ख्यालात आ रहे हैं कि सर ये न्यू सिलेबस का अनाउंसमेंट आ चुका है तो क्या मैं कन्वर्ट कर लूँ, न्यू में चल जाऊँ, तो मेरा एक राय है कि यदि आपका देखो एक ही ग्रुप बाकी है या फ्यू पेपर्स बाकी है तो इट इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप अभी भी पुराने सिलेबस में एग्जाम दीजिए, अभी भी पुराने सिलेबस में एग्जाम दीजिए, अभी भी पुराने सिलेबस में एग्जाम दीजिए, एक अटेम्प्ट और है और हो जाएगा अगर आप दिलोजान से चाहेंगे तो। अभी न्यू सिलेबस में अगर आप शिफ्ट मारेंगे तो पूरा सब कुछ रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका दोनों ग्रुप गड़बड़ा जाता है तो मेरा एक राय है कि आप न्यू सिलेबस में जरूर शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज न्यू सिलेबस में इंटर में आपको 8 की जगह 6 पढ़ना पड़ेगा और फाइनल में भी 8 की जगह 6 पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सेल्फ पेज मॉड्यूल आएगा तो सेल्फ पेज मॉड्यूल हम लोग फिर भी हैंडल कर लेंगे, वो 4 मॉड्यूल और आएगा तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। अगर दोनों ग्रुप नहीं होता है तो आप नवंबर टर्म को छोड़कर मई 24 में शिफ्ट हो जाइए इन द न्यू सिलेबस, दिस इज माई व्यू। बट एक ग्रुप या फ्यू पेपर्स बाकी है तो जोर लगा के इसी बार पास करने का ध्येय रखिएगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से 23 जून को एक अनाउंसमेंट आया था जिसमें बहुत सारे डेट्स बताए हुए हैं कब
कौन सा जो अपकमिंग टर्म है वो दिसंबर 23 का जो टर्म या नवंबर 23 का जो टर्म है दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट टर्म ऑफ आवर एग्जिस्टिंग सिलेबस, दैट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टर्म. ध्यान रखना है कि इसी टर्म में एग्जिस्टिंग सिलेबस में आना है. और उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि फर्स्ट टाइम कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं दिया गया है, सबको कंपल्सरली कन्वर्ट कर दिया जाएगा फिर न्यू सिलेबस में. तो देखो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने लिए बस ये सोचना कि मेरा तो इसमें अगर नहीं हुआ तो अगला में होना ही है. और अगला में देने में फायदा अगर फ्यू पेपर्स या एक ग्रुप बाकी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना. और ये डेट्स थोड़ा स्क्रीन पे देख लो, अगर फाउंडेशन के बच्चे हैं तो वो 1 जुलाई तक रजिस्टर करवा लेना. अगर आप लोग कोई भाई बंधु फाउंडेशन में दे जा रहे हैं तो 1 जुलाई इज द डेट टू रजिस्टर एंड गिव एग्जाम इन दिसंबर 23, अदरवाइज नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट में जाना पड़ेगा. और इंटरमीडिएट और फाइनल का अगर रजिस्ट्रेशन बाकी और एग्ज़ाम देना है अभी नवंबर में तो 30 जून इज़ द लास्ट डेट. एंड अगर आप नवंबर 23 में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो तो ध्यान रखना. अननेसेसरी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर में है उनको लेकर मेरे को नहीं लगता कि अभी नवंबर में अगर आप पढ़ाई कर चुके हो तो आपको पढ़ाई करने के बाद आपको टर्म स्किप करना चाहिए, दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. आप क्यों ये सोचते हो कि आपसे एक बार में नहीं होगा, आप पढ़ चुके हो उसके बाद पढ़ाई बीच में छोड़ कर बेवकूफ़ी मत करना. आप एग्ज़ाम देना, देखा जाएगा न्यू सिलेबस आएगा तो फिर देखा जाएगा. मेरे हिसाब से आपके लिए नवंबर ही लास्ट टर्म है. आप ऐसे नहीं सोचना कि मैं ज़बरदस्ती नवंबर में अटेम्प्ट दे रहा हूँ तो शिफ्ट कर लूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है. तो ये डेट्स को देख लेना बेटा. लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन एंड एग्जिस्टिंग स्कीम इज 1 जुलाई, फॉर इंटर एंड फाइनल इज 30 जून, एंड कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल विल बी फॉर फाउंडेशन अंडर न्यू स्कीम द डेट इज 2nd August एंड फॉर इंटर एंड फाइनल विल बी 1st July. तो अभी ड्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट सारे FAQs रिलीज करेगा तो देन वी विल मेक अनदर वीडियो टू एक्सप्लेन वॉट डज इट मीन, सो यू मे फॉलो दैट लेटर ऑन. एंड जस्ट डेट्स का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. लास्ट फाउंडेशन एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम इज इन December, लास्ट इंटरमीडिएट एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम एंड फाइनल एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम इज इन November. सो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई मेरा रिजल्ट यदि आ रहा है तो वो 10 जुलाई को आ रहा है, और 10 जुलाई को इंटर फाइनल दोनों का रिजल्ट आ रहा है. और जब तक कि रिजल्ट नहीं आता डेज को एकदम मस्ती में जियो, रिजल्ट का लोड एकदम नहीं लेना. और अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव तो एकदम नहीं सोचना है. जैसे नेगेटिव थॉट्स आए फ्रेंड्स को कॉल करना है, मम्मी पापा के पास जाना है, बात करना है, बैठना है, जो नेगेटिविटी भरे उसके वहां से दूर हो जाना है, ठीक है. मस्ती में रहना एकदम जैसे कि मस्त मौला इंसान है, दैट्स इट. वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आता है, मस्त मौला इंसान के साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है, बस इतना ध्यान रखना है. और अगर आपका एक ग्रुप बाकी है या फ्यू पेपर्स बाकी है तो इसी नवंबर में एग्जिस्टिंग सिलेबस में देना है. नवंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो नवंबर में बहुत कुछ आपने पढ़ लिया है, अटेम्प्ट देना है जैसे चल रहा था वैसे ही, अननेसेसरी अटेम्प्ट शिफ्ट करने का नहीं सोचना है, ठीक है. और अगर दोनों ग्रुप ही अभी नहीं होता है तो क्योंकि टाइम कम हो जाता है नॉर्मली रिजल्ट आने के बाद और नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप जरूर सोच सकते हो कि मैं अभी नहीं देकर मई में दे दूंगा नए सिलेबस में, वो एक पॉसिबिलिटी है. इसके ऊपर और आगे बात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा. अपना ध्यान रखिए और विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. ऑल द बेस्ट बोलते हैं आपके मेहनत के लिए और बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं आपकी तकदीर के लिए. दोनों आपके साथ हो कि आप अपने परिवार का नाम रोशन भी कर पाएं और अपना नाम भी रोशन कर पाएं, इस दुनिया में CA का झंडा आप गाड़ें. तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट. एंड जब भी जो भी रिजल्ट आए, जैसा भी आए, डोंट हेजिटेट टू शेयर. प्लीज़ डू शेयर योर हैप्पीनेस एज वेल एज एनीथिंग वेयर वी कैन असिस्ट यू, ठीक है. चलो सी यू, बाय बाय, टेक केयर.